मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं आपको एक ऑफर दूँ कि अगर आप मेरा काम करते हो या आप मेरे को मेरे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करते हो तो मैं आपको अरबों करोड़ों रुपए का फायदा कराऊंगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट के साथ एक कंडीशन है, लाखों करोड़ों जिंदगी दांव पे लगेगी और हो सकता है लाखों करोड़ों जिंदगियों की मौत भी हो जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। हम बात कर रहे हैं जो इस टाइम करंट इश्यू चल रहा है सेफ बक्सवाना के बारे में। दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बक्सवाना के छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक डायमंड का रिजर्व मिला है। डायमंड का जो रिजर्व है उसकी एस्टिमेशन 2.4 से लेकर 3.4 करोड़ कैरेट भी हो सकती है। अगर हम माने तो ये देश का सबसे बड़ा डायमंड रिजर्व हो सकता है, लेकिन वो उन जंगल उन 2 लाख पेड़ों के नीचे है कि पहले आपको हत्या करनी पड़ेगी और उसके बाद खाई खोद के निकालना पड़ेगा। इन कुछ नुकसान झेलना भी पड़ेगा, जैसे 8,000 से भी ज्यादा ट्राइबल्स की जिंदगी बद से बदतर हो सकती है, 1/10 ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम खत्म हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम ही हिल जाए। 2 लाख पेड़ों की जिनकी हत्या होगी उसके बदले में भली सरकार कह रही हो कि 4 से 10 लाख वो नए पेड़ लगाएंगे, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि जो 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे वो 50 या 100 साल के आसपास के होंगे, लेकिन जो 4 से 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे वो एक्चुअली में बीज या पौध होंगे। और उनमें से भी कितने पेड़ 50 या 100 साल की उम्र टच कर पाएंगे उसके लिए तो एक शताब्दी इंतजार करना पड़ेगा। बात शुरू होती है 2004 में, जब एक ऑस्ट्रेलियन रियो टिंटो कंपनी को एक डायमंड रिजर्व मिलता है और वो उसके बारे में गवर्नमेंट को बताती कि वो इधर माइन बनाएंगे और उसके बाद पार्टनरशिप की बात चलती है। उसमें जो पार्टनरशिप का होता है वो 10% और 90% पे सेटिस्फाइड होता है कि 10% स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, 90% ऑफ द प्रॉफिट वो कंपनी रखेगी। लेकिन जो बक्सवाना का जंगल है वो एक कॉरिडोर बनाता है पन्ना टाइगर रिजर्व या किसी और फॉरेस्ट नेचर रिजर्व के बीच में, जिस वजह से जो थ्रेट है वो कई सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज को, जैसे कि आपके नेशनल एनिमल टाइगर को, उसके साथ साथ घड़ियाल को और ऐसी कई सारी स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड और एंडेमिक और रेयर स्पीशीज है। लेकिन ऑल थैंक्स टू अवर कंजर्वेशनिस्ट, उस टाइम शीरा मसू एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आती है और वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है और एक टाइम पे इनकी हत्या भी कर दी जाती है। एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये कंपनी या सरकार ने किया, मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है ये प्रॉपर्टी का मामला है, सीबीआई इंक्वायरी बैठती तो वो कहते हैं लव ट्राइंगल क्लियर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। उनकी भली गोली मार के हत्या कर दी जाती है, लेकिन ये प्रोटेस्ट धीमे भी नहीं होता, ये और तेजी से बढ़ता चला जाता है। 2016 में कई सारी अथॉरिटीज और एजेंसीज को इसके अंदर कूदना पड़ता, फॉरेस्ट एडवाइजर कमिटी या फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनकी रिपोर्ट के बाद ये 2016 में इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार इसे ट्राई करती रहती है, लेकिन जो केंद्र में सरकार होती है वो इसे रिजेक्ट कर देती है। बाद में जब 76 हेक्टेयर की ही कंपनी कहती है भैया 76 हेक्टेयर ही दे दो, तो फिर उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगस्त 2016 में आखिरी बार कोशिश करते हैं, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद 7 फरवरी 2017 को जो कंपनी है वो टाटा बाय बाय करके इंडिया को छोड़ देती है। 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होते हो, बीजेपी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हार जाती है, कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ के नेतृत्व में, और इस पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइव किया जाता है, दोबारा बोली लगाई जाती है, दोबारा ऑक्शन होता है और इसमें कई सारे ग्रुप्स बोली भी लगाते हैं, जैसे कि अडानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, वेदांता ग्रुप, एसएल ग्रुप और उसी के साथ साथ नेशनल मिनरल डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी संस्थाएं भी। थोड़ा सा चेंज किया जाता है 2019 में कि 954 हेक्टेयर की जमीन को कुछ 382 हेक्टेयर के आसपास किया जाता है और इस बोली को जीतता है आदित्य बिरला ग्रुप। 364 हेक्टेयर की जमीन को आदित्य बिरला ग्रुप को अगले 50 साल के लिए लीज पर दे दिया जाता है और इसमें एक नया पार्टनरशिप प्लान सामने आता है 58% 42%। सरकार तो ये बोलती है कि इधर विकास होगा, यहाँ पे माइन बनेगी तो पैसा आएगा, डायमंड के बिकने से कमाई होगी और उधर के लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब ऐसा वाला। अब विकास का चार्ट थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे जो विकास होगा उसका 58% जाएगा मालिक को यानी आदित्य बिरला ग्रुप को, 42% जाएगा सरकार को यानी ऊपर बैठे मंत्री लोगों को, और आप लोग जिनके विकास और डेवलपमेंट की बात हो रही है उनको कुछ ये परसेंट जाएगा। और आपको भली सरकार बोल रही है कि आपको रोजगार मिलेगा, तो हो सकता है कोई बंदा कोई प्रोफेशनल कोर्स करके पीएचडी करके उसके बाद लेबर की नौकरी कर ले, सरकार तो रोजगार दे ही रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इधर का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये जंगल बीचों बीच है कई टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीचों बीच, जो एक इकोसिस्टम बना देगा और इन सब चीजों को आपस में स्प्लिट कर देगा। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है बल्कि एक कॉरिडोर है टाइगर्स के लिए। उसी के साथ साथ जो माइंस होती है उनके बारे में एक फैक्ट आपको जानने की जरूरत है कि उन्हें हाई इंटेंसिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है और ये पहले से ही बुंदेलखंड का जो पूरा रीजन है वो एक वाटर स्कार्सिटी वाला जोन है।
अगर इस वाटर स्कार्सिटी को पूरा खत्म करने के लिए कोई डैम भी बनाते तो ये भी नॉर्मल है कि आसपास के शहर, आसपास के राज्यों, नेबरिंग रीजन्स है, उनका पानी लेना पड़े। दूसरी तरफ वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम सामने आएगी। लेकिन क्या आप एक फैक्ट की बात जानते हैं, जिन डायमंड्स के लिए हम ये सब बात कर रहे हैं उन डायमंड्स की कोई वैल्यू होती भी नहीं। कि अगर आप आज गोल्ड खरीदते हो और गोल्ड को अगले दिन बेच भी देते हो तो गोल्ड की कुछ वैल्यू होती है, लेकिन डायमंड की कोई एग्जैक्ट रीसेल वैल्यू नहीं होती। इसके बारे में जो कंपनी डी बियर्स है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। डी बियर्स जो कंपनी है वो 80% ऑफ द डायमंड पूरे वर्ल्ड मार्केट का होल्ड करती है। वो खुद बताती है कि जब डायमंड के रेट बढ़ते हैं तो बढ़ने देते हैं, लेकिन जब डायमंड के रेट गिरने लगते हैं तो वो सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से जो डायमंड के रेट है वो गिरते ही नहीं है। और डी बियर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त है कि 1960s में जहाँ पे जापान के अंदर सिर्फ 5% लोग ही डायमंड खरीदते थे या डायमंड रिंग्स को इस्तेमाल करते थे वेडिंग में, वही 10 साल के अंदर ये 50% तक जंप कर जाता है सिर्फ और सिर्फ इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से। डायमंड इज फॉरएवर, डायमंड कभी खत्म नहीं होता, कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ आज पूरी दुनिया डायमंड रिंग्स को प्रमोट करने में लगी हुई है। लेकिन डायमंड की खुद की रीसेल वैल्यू तो होती नहीं। अगर आप 700 डिग्री पे अपनी डायमंड रिंग को पिघला भी देंगे ना तो भी वो सिर्फ एक कार्बन ही निकल के आएगा, कोई डायमंड नहीं बचेगा। इट इज नॉट फॉर एवर। ये रियलिटी है कि पेड़ों और घने जंगलों के नीचे ही कोल और डायमंड पाए जाते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खजाना किसे बोलते हो, एक जिंदा पेड़ों को या फिर उसके नीचे जो मरे हुए अवशेष हैं पुराने जानवरों, पुराने पेड़ों के उसको। जब हमारे एनिमल कंजर्वेटिव सोसाइटी वीगनिज्म को प्रमोट कर रही है, कई पे कई सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया हमने सिर्फ जानवरों की जान बचाने के लिए कि किसी की हत्या ना हो, तो क्या हम सिर्फ पेड़ों की जान बचाने के लिए डायमंड्स का बॉयकॉट नहीं कर सकते, डायमंड रिंग्स का बॉयकॉट नहीं कर सकते? कि हमने चिपको आंदोलन के जन्मदाता को तो खो दिया, लेकिन चिपको आंदोलन आज भी बरकरार है। खैर, कुछ डायमंड कंपनी से इस दुनिया में जो आज ये कह दिए कि हम अब नेचुरल डायमंड को बनाना छोड़ रहे हैं, हम अब आर्टिफिशियल डायमंड बेचेंगे। आर्टिफिशियल डायमंड्स में किसी की भी जान की हत्या नहीं होती है और आर्टिफिशियल डायमंड्स एक लैब के अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं, वो सेम टू सेम एक नेचुरल कार्बन डायमंड जैसे ही दिखते हैं। अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल लूँ कि हमारे पॉल्यूशन होता है, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर उसी एटमोसफेयर के अंदर से कार्बन को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसका डायमंड बना दिया जाए, तो हो सकता है बहुत से लोगों की ये बात लॉजिकल भी ना लगे कि क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये रियलिटी है, ऐसा होता है। अब मुझे नहीं पता आप कितने कंफ्यूज हो, आप किसे चुनोगे, एक जंगल जिससे आपको शायद से कुछ भी ना मिले या फिर दूसरी तरफ एक डायमंड जिनसे आपको शायद से बहुत सारा पैसा मिले। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन दूं कि अगर आपको कार्बन और ऑक्सीजन में से किसे चुनना है, तो ये चॉइस एक क्रिस्टल क्लियर बन जाती है, क्योंकि पेड़ हमें भले ही पैसा ना दे लेकिन ऑक्सीजन वहीं से आती है। आई होप आप मेरी बात से सेटिस्फाइड होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोगों को भी बक्सवाना के बारे में पता चले और वो भी सपोर्ट करें। आप इस वीडियो के साथ जिसे भी टैग करना चाहते हैं प्लीज़ टैग कीजिएगा और आदित्य बिरला ग्रुप से हम सबकी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि हम इन्हें नहीं बचा पाए लेकिन इन्हें बचा सकते हैं।